Welcome to Ask MBA. Now guys, if you are planning or if you are still speculating कि आपको IBS कॉलेज के एग्जामिनेशन IPSAT के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो दिस वीडियो इज़ गोनू हेल्प यू टू डिसाइड दैट. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट गोनू फेवर IBS, आई एम नॉट गोनू से दैट यू डू दिस यू डू दैट. आई एम गोनू गिव यू अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वेदर यू शुड बी कंसिडरिंग इट और नॉट. मतलब एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन कि आपको इस कॉलेज के एग्जामिनेशन को या इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. नो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यार आपको ये समझना है कि IBS कॉलेज या IBS या कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले आपको तीन पॉइंटर देखने होते हैं. पहला पॉइंटर कि उस कॉलेज का लोकेशन किधर है. नाउ IBS गॉट देयर कैंपसेस इन ऑल बिग सिटीज, ऑल्सो इन मुंबई. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम अ ग्रेट सिटी लाइक मुंबई, अब मैनेजमेंट करने के लिए भाई फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से बड़ी तो कोई जगह नहीं होगी, आई थिंक बेटर जगह नहीं होगी. ऑफकोर्स दे हैव गॉट कैंपसेज इन अदर लोकेशंस टू लाइक हैदराबाद, देहरादून. सो बेस्ड ऑन वेयर यू आर इन इंडिया, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हैं सो यू कैन कंसिडर देहरादून. इफ़ यू आर इन वेस्टर्न इंडिया यू कैन कंसिडर मुंबई. अगर आप साउथ में तो यू कैन कंसिडर IBS हैदराबाद. सो बेस्ड ऑन दीज zones of India, you can go for the best possible city around you and you can do that. जो दूसरा सबसे important factor आता है IBS का, कि जो मुझे लगता है कि उसको एक अच्छा option बनाता है, वो ये आता है IBS college का कि यार आपको ये हर type का course देते हैं, but then they give you course based on what location you are getting at. For example, कोई location आपका X course के लिए famous है या कुछ के लिए, तो चाहे आपको ह्यूमन रिसोर्स करना है या मैन या आपको मार्केटिंग करना है. अब अक्सर ये देखा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए उनका फ्लैगशिप होता है, बाकी वो कोर्सेज देते हैं बट उतने खास नहीं, या तो सिर्फ फ्लैगशिप पढ़ाते हैं. IBS कॉलेज की खासियत ये है कि दे गिव यू मोस्टली ऑल द कोर्सेज विद इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड द चांसेज आर दैट यू माइट गेट दैट. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है, जो फैक्टर आता है कि आप, this is a fact guys, you guys are doing MBA maybe for knowledge, I do not know, but the main reason to do MBA because you want to earn well, you want to give yourself a chance that after doing post graduation like MBA, MMS or PGDM you are job ready, you are there in the market to claim that juicy pay package. So guys, IBS ka jo average package hai wo definitely 8 lakh ke upar to chale hi jata hai for most of the cities. And their fees is also reasonable. How to check the fees and average package? Ek simple sa funda hai. Whatever the fees of the college is, the average package is revolving around that. But of course, alag alag campuses hai, inke alag alag cities mein unki alag alag fees hai aur unki alag alag of course placements hai. Because how expensive that city is. Agar main kisi B grade ya B grade, not in terms of quality or what not, I'm talking about the expenses. किसी अगर मैं सस्ते शहर में जाके जॉब करता हूँ तो मेरी सैलरी वहाँ पर कम रहेगी. मैं किसी एक्सपेंसिव शहर में जाके जॉब करता हूँ तो मेरी सैलरी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज द रेंट इज़ हायर, द एवरीथिंग इज़ हायर, सो द फूड एक्सपेंसिज आर मोर, और इफ आई वॉन्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी देयर. सो बेस्ड ऑन दैट द सैलरी फ्लक्चुएट्स, बट इन द एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन अ गुड वे और वॉट नॉट, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम विच सिटी you are doing the MBA from and with which college you are going for. So guys, ये कुछ factors होते हैं, देने वाले होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप IBS करो, but it is going to be a good backup option. अब of course अगर आप IIMs जाना चाहते हैं, and I hope you will go, it is a good thing. But then what if for some reason you are unable to get the desired college? Maybe आपको Blackie ना मिले, right? For some reason, or maybe you're not studying, or maybe you do not have right guidance. So IBS is a decent backup option as per me that you can check and you can consider rather than going for some random college and investing 6 and 7 lakh rupees there and then surviving or then fighting for your survival in the job industry. So it is a good option, it's a decent option. Plus you guys can also the staff of IBS is very friendly. If you get in touch with them, they will help you with everything, how to apply for their scholarships, also how to apply for the college and how to apply for the examination. I will mention few details and few numbers in the description box of those people if you want to talk to them. Once again guys, this video is not sponsored by IBS. I'm just simply saying that you can consider this
कॉलेज एज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आई हैव गॉट मेनी क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स, शैल आई बी कंसिडरिंग आई बी एस और नॉट सर, मैं आई बी एस का फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ? सो येस, इट्स अ डिसेंट कॉलेज, इट्स अ गुड डिसेंट कॉलेज एज अ बैकअप प्लान, राइट? बिकॉज आपको एम बी ए किसी न किसी डिसेंट कॉलेज से तो करना ही है. सो यू कैन स्पीक टू दैम वंस एंड सी वॉट ऑल ऑप्शन यू हैव, एंड बेस्ड ऑन दैट टेक अ डिसीजन ऑन योर ओन. हाउ एवर, इफ यू स्टिल वॉन्ट, यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस. आई विल ऑल्सो शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन WhatsApp me and we shall take discussion or the conversation from there. Thank you guys.